अमेरिका में आज राष्ट्रपति का चुनाव है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनने के लिए अमेरिका के राज्यों में भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 से शाम 7:30 के बीच में अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मतदान का वक्त और नियम अलग अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी राज्यों के लिए निर्धारित कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस उम्मीदवार को बहुमत यानी कि 270 और उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। अमेरिका में कुल 23 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं, लेकिन 16 करोड़ लोग ही रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर वोटिंग बैलेट से होती है। वोटिंग बेशक 5 नवंबर को होगी, लेकिन नतीजों की घोषणा में कई दिन का वक्त लग सकता है। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद की शपथ लेगा। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। 3 महीने तक चला कैंपेन और 3 महीने के कैंपेन के बाद कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। दोनों की किस्मत आज कैद होने वाली है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में यह पहली बार है जब दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज फैसला आने वाला है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके जाने की खबर, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर है। एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाने से नाराज लोगों ने मंदिर चौराहे पर सड़क जाम किया। मौके पर SDM पहुंचे, CO पहुंचे, लोगों को समझाया, माहौल शांत कराया और मूर्ति विसर्जन कराया। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी की घटना महज एक अफवाह थी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पत्थरबाजी की पुष्टि हो सके। पुलिस तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। आज ग्राम माली मैनहा थाना डुमरियागंज की मूर्ति विसर्जन हेतु जा रही थी। फोर्स मूर्ति विसर्जन जुलूस के साथ मौजूद थी। एकाएक उसमें से किसी के द्वारा यह कहा गया कि जुलूस पर किसी के द्वारा पत्थर फेंका गया है। इस सूचना पर तत्काल SDM डुमरियागंज, CO डुमरियागंज व थाना प्रभारी डुमरियागंज मौके पर पहुंचे तथा जानकारी की गई तो उक्त घटना की पुष्टि नहीं हुई। कोई भी पत्थर फेंकने के साक्ष्य अथवा किसी को चोट नहीं आई है। वार्ता के पश्चात मूर्तियां विसर्जन हेतु प्रस्थान कर गई हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जिसने भी अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया है उसकी जानकारी की जा रही है, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर में 2 परिवारों के 9 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। इन लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने माला पहनाकर उनका हिंदू धर्म में उनकी वापसी करवाई है और उन्हें ये लोग अकबरपुर और जलालपुर तहसील क्षेत्र के रहने वाले हैं। धर्मांतरण किया था लेकिन आज हम घर वापसी करना चाहते हैं। आज उन लोगों ने घर वापसी किया है। हम और भी निवेदन करते हैं, जो लोग कहते हैं कि बुत पूजक काफिर हैं, उनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है, यहां बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य और काम होता है। इसके नाते सनातन की विशाल परंपरा है और उस विशाल परंपरा में पुनः उन्होंने अपने घर वापसी किया है। तो आज 9 लोगों ने अपने घर को वापसी किया है, उसके लिए मंगल का। शाहजहांपुर जिला जेल में बंदियों का मनोबल बढ़ाने, उनके तनाव को कम करने के लिए मशहूर अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे। जेल अधीक्षक ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और राधा कृष्ण की प्रतिमा
देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कैदियों को तनाव कम करने के टिप्स दिए, अपनी अनेक पुरानी फिल्मों के डायलॉग सुनाए और कैदियों का खूब मनोरंजन भी किया। कि आपकी पता नहीं क्या लाल साहब ने क्या कर दिया है कि बोले कि आपकी पता नहीं पुलिस वालों ने क्या कर दिया है कि जेल की पुलिस जो होती है और बाहर की पुलिस, इनमें बहुत अंतर होता है। ये आपके सुधार गृह के रूप में होते हैं, वो अब कानून का पालन कर रहे हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी। इन सबको खूब दुआएं की आशीर्वाद के रूप में समझो और जो अम्बेडकर नगर में इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आधी रात को अस्पताल में छापेमारी की। स्वतंत्र देव सिंह के साथ दयाशंकर मिश्र भी थे। स्वतंत्र देव सिंह ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर और सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई है। इलाज में लापरवाही को लेकर भी काफी नाराज दिखे। आपको बता दें कल देर रात पिकअप सवार 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये सभी लोग अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। लोगों ने बीजेपी नेता को इलाज में लापरवाही की शिकायत की थी, जिसके बाद स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी नेताओं के साथ अस्पताल पहुंचे।